नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, सह आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हम BA थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, जिसमें राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा है, इसमें हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहासकारों का ये मानना है कि सोमेश्वर के पश्चात उसका पुत्र पृथ्वीराज तृतीय 1178 ईस्वी में चौहान राज्य का शासक बना था, जो कि पृथ्वीराज चौहान से के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चौहान शासक की विजयों के विषय में हम अध्ययन करेंगे कि पृथ्वीराज की कौन कौन सी विजय थी, कौन कौन से उसने युद्ध लड़े और किन युद्धों में विजय प्राप्त की उसने, इस विषय में हम अध्ययन करेंगे। इतिहासकार डॉक्टर VA स्मिथ ने अपनी पुस्तक में, उनकी पुस्तक का नाम है दी ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें लिखा है कि पृथ्वीराज आज दिन तक उत्तर भारत का सबसे लोकप्रिय नायक है। अन्य इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा, उनकी पुस्तक है अर्ली चौहान डायनेस्टीज, उसमें उन्होंने लिखा है कि पृथ्वीराज के लिए लिखा है कि उसने दिग्विजयी सम्राट बनने के लिए आदर्श को चरितार्थ करके दिखा दिया था। उसकी कौन कौन सी विजय प्रमुख थी उसके बारे में, नंबर एक, नागार्जुन के जो विद्रोह हो रहे थे उनका दमन। नागार्जुन जो था वो था विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र। उसने 1180 ईस्वी में गुड़पुर नामक राज्य था उस पर अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज ने अपने मंत्री कदंबवास के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, जिसने नागार्जुन के जो विद्रोह थे उनका दमन किया। दूसरा है भंडानकों के विद्रोह का दमन। भिवानी और रेवाड़ी तहसील में के अलवर के कुछ भाग थे, वहाँ पर भंडानकों के राज्य थे, कुछ भाग आते थे उनके। उन्होंने भी 1182 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था, जिसका पृथ्वीराज चौहान ने दमन किया। तीसरा नंबर है चंदेलों से युद्ध। पृथ्वीराज चौहान ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए चंदेल नरेश परमादीन की राजधानी थी महोबा, महोबा पर आक्रमण कर दिया था। इस अवसर पर कन्नौज का शासक जयचंद, उसने परमादीन की सहायता के लिए सेना भेजी थी। पृथ्वीराज ने कन्नौज और महोबा दोनों की संयुक्त सेनाओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और महोबा पर भी अधिकार कर लिया था। इस विजय की पुष्टि पृथ्वीराज रासो और मदनपुर के शिलालेख से होती है। नेक्स्ट नंबर है गुजरात पर विजय। पृथ्वीराज रासो से ये पता चलता है कि पृथ्वीराज ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। पृथ्वीराज ने 1184 ईस्वी में नागौर के किले के बाहर युद्ध लड़ा था।
जिसमें उसने गुजरात के शासक जगदेव को भी परास्त किया था। परिणाम स्वरूप उसने पृथ्वीराज की अधीनता स्वीकार की थी। इस बात की पुष्टि चारलू गांव में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है उससे होती है। पांचवा नंबर है गाहड़ वालों से संबंध। इतिहासकार डॉक्टर रोमिला थापर की एक पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास, उसमें उन्होंने लिखा है कि कन्नौज का शासक जयचंद एक आकांक्षावादी शासक था। कन्नौज का गाहड़वाल शासक जयचंद भी वीर और प्रतापी शासक माना जाता है। वो पृथ्वीराज चौहान की जो साम्राज्यवादी नीति थी, उसकी बढ़ती हुई कीर्ति थी, उससे ईर्ष्या करता था। उसने अपनी पुत्री संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण कर लिया था, जिसके कारण जयचंद उसकी जान का दुश्मन बना हुआ था। कुछ इतिहासकार संयोगिता के अपहरण को एक कहानी मात्र मानते हैं। डॉक्टर आर एस त्रिपाठी लिखते हैं, उनकी पुस्तक है कन्नौज का इतिहास, उसमें लिखा है कि ये घटना चंद्रवरदाई की सुखद कल्पना थी। यानी चंद्रवरदाई ने ये काल्पनिक आधार पर ये लिखी थी। नेक्स्ट नंबर है तुर्कों से संघर्ष। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन के दो युद्ध हुए। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया, परंतु द्वितीय युद्ध में, दूसरे युद्ध में, गौरी ने पृथ्वीराज को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना भी की। इनके युद्ध के कारण क्या थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो उस समय भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि बाह्य जो आक्रांता थे उनकी नज़र में भारत स्वतः ही आ जाता था। इसी प्रकार मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी की भांति भारत पर आक्रमण कर इस देश की जो असीम धन संपदा थी उसे प्राप्त करना चाहता था। फ्रांसीसी इतिहासकार हैं बर्नियर, उन्होंने कहा था कि यह हिंदुस्तान एक ऐसा गड्ढा है जिसमें संसार भर के अधिकांश सोना और चांदी चारों तरफ से अनेक राष्ट्रों से आकर जमा होता है। इस समय राजपूत राजा आपस में लड़ने में व्यस्त थे, गौरी ने भी इसका लाभ उठाने का निश्चय किया। इतिहासकार कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक राजस्थान के इतिहास में लिखा है कि जयचंद ने कई एक छोटे राजाओं को मिलाकर एक योजना तैयार की थी और उसके अनुसार वह शहाबुद्दीन के द्वारा पृथ्वीराज का सर्वनाश करना चाहता था। दूसरा है राजपूतों की मुसलमानों से शत्रुता। राजपूतों और मुसलमानों के बीच काफ़ी पुरानी शत्रुता थी। इतिहासकार जी एच ओझा ने अपनी पुस्तक राजपुताने के इतिहास में लिखा है कि राजपूतों तथा मुसलमानों में शत्रुता लंबे समय से चली आ रही थी और उनमें अनेक युद्ध हो चुके थे। राजपूतों तथा मुसलमानों की शत्रुता निर्णायक युद्ध के बिना समाप्त नहीं हो सकती थी।
तीसरा नंबर है कट्टर धार्मिकता, धार्मिक रूप से कट्टरपन। इतिहासकार डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक में, उनकी पुस्तक है दिल्ली सल्तनत, उसमें लिखा है कि पृथ्वीराज और गौरी के बीच संघर्ष का मूल कारण धार्मिक कट्टरता ही था। इतिहासकार मानते हैं कि गौरी भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना अपना कर्तव्य मानता था, जबकि पृथ्वीराज अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक मानता था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टीज में लिखा है कि पृथ्वीराज मुसलमानों के विनाश को इस संसार में अपने जीवन का विशेष लक्ष्य मानता था, इसलिए दोनों में संघर्ष होना अति आवश्यक था। चौथा है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना। गौरी भारत में अपनी विजयों को संगठित कर एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, जिससे कि वह अपने धर्म के प्रति निष्ठा प्रदर्शित कर सके। इसलिए पृथ्वीराज को परास्त करना अति आवश्यक था। पांचवा है खोए हुए राज्यों को पुनः प्राप्त करना। पृथ्वीराज ने हांसी, थानेश्वर, सिंध आदि जो राज्य थे मुसलमानों से छीनकर अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। इतिहासकार ये मानते हैं कि गौरी अपने आप को महमूद गजनबी का उत्तराधिकारी मानता था, इसलिए खोए हुए जो राज्य थे उनको पुनः प्राप्त करने के लिए राजपूतों से युद्ध लड़ना अति आवश्यक था। छठा नंबर है पृथ्वीराज की भूल। गौरी जिसने जिस समय मुल्तान और भटिंडा पर अधिकार कर लिया था, उसी समय पृथ्वीराज को चाहिए था कि वह उसे भारत से खदेड़ देता, निकाल देता उसको। इतिहासकार गहलोत ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, राजस्थान का संक्षिप्त इतिहास में लिखा है कि वह अपनी शक्ति कन्नौज, महोबा और गुजरात आदि पड़ोसी राज्यों से लड़ने में लगाने लगा था। अपनी इसी भूल का उसे आकर आगे जाकर उसे बहुत बड़ा परिणाम नुकसान के रूप में उठाना पड़ा। सातवां नंबर है जयचंद का षड्यंत्र। जयचंद और पृथ्वीराज में जो परंपरागत शत्रुता चली आ रही थी, इसलिए मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उसने आमंत्रित किया। अब हम महत्वपूर्ण युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, इसके बारे में जानेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध, गौरी ने 1191 ईस्वी में सरहिंद पर अधिकार कर लिया था, उसके पश्चात वह भारत की ओर बढ़ा। इधर से पृथ्वीराज भी उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। अंत में तराइन के मैदान में दोनों की सेनाओं का सामना हुआ और घमासान युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तो विजयी हुआ और गौरी घायल होकर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। इतिहासकार बुलजले हेग लिखते हैं, उनकी पुस्तक है द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें लिखते हैं कि शीघ्र ही गौरी की सेना पराजित होकर भागने पर विवश हो गई,
गौरी किसी तरह युद्ध क्षेत्र से बच निकला। राजपूतों द्वारा तुर्कों की भागती सेना का पीछा न करना उनकी बहुत बड़ी भूल सिद्ध हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में राजपूतों को शानदार विजय प्राप्त हुई। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टीज में लिखा है कि चौहानों ने मुस्लिम सेना का पीछा न किया, सैनिक दृष्टि से यह एक बड़ी भूल थी। अन्य इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इससे पूर्व मुसलमानों को विधर्मियों के हाथों ऐसी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। ये तराइन के प्रथम युद्ध का था। तराइन का द्वितीय युद्ध, गौरी ने अपनी अपमानजनक पराजय को अपना आधार बनाया, उसे भूला नहीं वो। और 1192 ईस्वी में पुनः लगभग 130,000 घुड़सवारों के साथ भारत की ओर रवाना हुआ और पुनः तराइन के मैदान में पहुंच गया। इसके बाद गौरी ने पृथ्वीराज को यह संदेश भिजवाया था कि वह इस्लाम को स्वीकार कर ले, परंतु प्रत्युत्तर में पृथ्वीराज अपनी सेना सहित तराइन के मैदान में उपस्थित हो गया। पृथ्वीराज ने भी पत्र लिखकर गौरी को लौट जाने के लिए कहा। इस समय गौरी ने कूटनीतिक दृष्टि से काम लिया। इतिहासकार मानते हैं कि उसने बड़ी धूर्तता से काम लिया। उसने पृथ्वीराज को यह कहलवा दिया कि वह अपने भाई की आज्ञा से भारत पर आक्रमण करने के लिए आया है, अतः वापस जाने के लिए भी उसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं अपने भाई के पास संदेश भेज रहा हूं। इस पत्र के प्राप्त होते ही पृथ्वीराज की सेना आराम करने लगी और गौरी ने अचानक उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस आक्रमण से पृथ्वीराज की सेना में भगदड़ मच गई, किंतु पृथ्वीराज ने स्थिति को नियंत्रण में करके गौरी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। गौरी ने पुनः कूटनीति से काम लिया और उसने अपनी सेना को कई भागों में बांट दिया। और इतिहासकार ये मानते हैं कि सूर्योदय से पहले ही पृथ्वीराज की सेना पर उसने पुनः आक्रमण कर दिया था। यद्यपि युद्ध में राजपूतों ने ऐसा धारण वीरता का प्रदर्शन किया था, किंतु मुसलमानों के हाथों उन्हें परास्त होना पड़ा। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। अजमेर और दिल्ली में गौरी ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। इतिहासकार डॉक्टर आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक द स्ट्रगल फॉर एम्पायर में लिखा है कि पृथ्वीराज निसंदेह एक योग्य सेनापति था, किंतु उसमें राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी। ये तराइन के युद्ध के परिणाम और महत्व क्या हुए इसके बारे में चर्चा करेंगे।
इतिहासकार डॉक्टर डीसी गांगुली ने लिखा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय से न केवल चौहानों की राज शक्ति को समाप्त कर दिया वरन भारत के लिए दुर्दशा का कारण भी बनी। यानी द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की मृत्यु हुई और जो 250 लगभग 250 वर्षों से जो शासन चौहान साम्राज्य का स्थापित था उसका अंत हो गया। इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने अपनी पुस्तक द डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में ये लिखा है कि इस युद्ध ने शाकंबरी के चाहमानों के प्रभुत्व को यथार्थ में ही समाप्त कर दिया। दूसरा था इस युद्ध के बाद में तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। इतिहासकार मानते हैं तराइन के युद्ध के पहले भी गौरी ने भारत पर कई आक्रमण किए थे, लेकिन उन आक्रमणों का जो उसका उद्देश्य था, आक्रमण करने का जो उद्देश्य था, वो मात्र लूटमार करना था। गौरी का उद्देश्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना और अंत में युद्ध के पश्चात उसने विजय प्राप्ति के बाद में, जब विजय प्राप्त हो गई उसके पश्चात उसने दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लिया। गौरी ने जो मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया था वो लगभग अंग्रेजों के आगमन तक भारत में बना रहा। इतिहासकार बुलजले हेज लिखते हैं, उनकी पुस्तक है द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें लिखते हैं कि इस विजय द्वारा मोहम्मद को दिल्ली के द्वार तक लगभग संपूर्ण भारत प्राप्त हो गया था, संपूर्ण उत्तर भारत प्राप्त हो गया था। तीसरा नंबर, इस युद्ध में विजय करने के बाद में गौरी ने इस्लाम को राजधर्म घोषित कर दिया। इसके लिए उसने अनेक मंदिरों को तोड़ दिया, गिरा दिया और वहां पर उसने मस्जिदों की स्थापना करवाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युद्ध के पश्चात केवल मंदिरों का विध्वंस हुआ लेकिन इस्लाम धर्म का प्रचार भी हुआ। चौथा नंबर, इस युद्ध के बाद में गौरी के उत्साह में असाधारण वृद्धि हुई। इसके बाद उसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई कि अपना साम्राज्य समस्त उत्तर भारत के अतिरिक्त भी विस्तृत किया जाए। इसी नीति पर चलते हुए गौरी ने कन्नौज, गुजरात, बंगाल, बिहार आदि राज्यों पर भी अधिकार कर लिया। इस संघर्ष में हजारों वीर और योद्धा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। चित्तौड़ का नरेश समर सिंह, दिल्ली का गवर्नर गोविंद राज जैसे योद्धा इस युद्ध में मारे गए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युद्ध के पश्चात देश में एक बार पुनः योद्धाओं में कमी आई थी, योद्धाओं की कमी हो गई थी। या तो अधिकांश योद्धा इस युद्ध में समाप्त हो गए या वो मारे गए। इतिहासकार ये मानते हैं कि युद्ध में
विजय के पश्चात गौरी ने देश में भयंकर लूटपाट की, क्योंकि यहाँ अपार धन संपत्ति को थी और उसको प्राप्त करना था। इससे क्या हुआ कि भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो निरंतर गिरती गई और शोचनीय स्थिति हो गई। अब हम ये देखते हैं कि इस युद्ध से पहले दासता की स्थिति नहीं थी, लेकिन इस युद्ध के साथ ही भारत में दासता का युग प्रारंभ हुआ। भारत पर पहले तुर्कों ने, फिर मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने शासन किया। इतिहासकार ये मानते हैं, विद्वान ये मानते हैं कि जिस प्रकार तराइन के युद्ध से भारत में जो दासता का युग प्रारंभ हुआ था, वह लगभग 1947 में देश की आज़ादी के साथ ही जाकर समाप्त हुआ। इस प्रकार यह युग संघर्ष, पराधीनता, अंधकार का जन्मदाता माना जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय तो हुई थी, पराजय होने के पश्चात भी उसका नाम इतिहास में अमर हुआ। इतिहासकार कर्नल टॉड लिखते हैं अपनी पुस्तक राजस्थान के इतिहास में कि पृथ्वीराज की युद्ध में पराजय हुई, किंतु उसका नाम सर्वदा के लिए इस देश में अमर हो गया। इसके पश्चात हम इस युद्ध का जो प्रभाव हम देखते हैं, इस युद्ध ने बौद्ध धर्म को बहुत क्षति पहुंचाई। बिहार में मुसलमानों ने बौद्धों पर बहुत अत्याचार किए, जिसका परिणाम ये निकला कि वो भारत छोड़कर भाग गए अन्य देशों में जाकर रहने लगे। इतिहासकार डॉक्टर वी ए स्मिथ ने अपनी पुस्तक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि 1200 ईस्वी के बाद उत्तर भारत में बौद्ध धर्म के चिन्ह धुंधले और स्पष्ट हैं। इस संघर्ष के परिणाम के संबंध में इतिहासकार डॉक्टर आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक में, उनकी पुस्तक है द स्ट्रगल फॉर एम्पायर में लिखा है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय ने केवल चौहानों की शक्ति का नाश ही नहीं किया था, अपितु पूरे हिंदू धर्म को विनाश पर ला दिया था। पूरा देश आतंक से जकड़ गया था। इतिहासकार श्री जगदीश सिंह गहलोत ने अपनी पुस्तक राजस्थान का संक्षिप्त इतिहास में लिखा है कि संघर्ष में हजारों राजपूतों ने वीरगति पाई थी, पृथ्वीराज स्वयं मारा गया था। पृथ्वीराज मृत्यु के समय 26 वर्ष का था। भारत का वह अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। उसके पश्चात लगभग 650 वर्ष तक, 650 साल तक दिल्ली के सिंहासन पर जितने भी बादशाह बैठे वो सब मुसलमान थे। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, मूल्यांकन किया जाए इसका, तो इतिहासकार ये मानते हैं कि इस संघर्ष के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए, जिसका परिणाम क्या निकला कि भारत में एक युग समाप्त हुआ और दूसरे युग का प्रारंभ। डॉक्टर वी ए स्मिथ
ने अपनी पुस्तक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि वास्तव में 1192 ईस्वी की तराइन की दूसरी लड़ाई को एक निर्णायक संघर्ष माना जा सकता है। अन्य इतिहासकार डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक दिल्ली सल्तनत में लिखा है कि तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास की युग परिवर्तनकारी घटना थी। तो ये था पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वितीय और गौरी के मध्य जो युद्ध हुआ, उसके कारण क्या रहे, उसके परिणाम क्या रहे और उसका महत्व क्या रहा। धन्यवाद।